छिंदवाड़ा के लाल कबीरदास उइके ने भारत मां की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जवान कबीरदास उइके 20 जून को घर आने वाले थे, लेकिन अब तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा आएगा। सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीरदास उइके आतंकी हमले में गोली लगने से घायल हो गए थे, जहाँ पर बुधवार सुबह कबीर का निधन हो गया। देखिए खबर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दो आतंकी हमले हुए हैं। हमले में छिंदवाड़ा के जवान कबीरदास उइके शहीद हो गए। मंगलवार रात 8 बजे कठुआ के हीरानगर स्थित सैदा सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ था। हमले में सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीरदास उइके गोली लगने से घायल हो गए थे। बुधवार सुबह कबीर का निधन हो गया। गुरुवार को शहीद की पार्थिव देह छिंदवाड़ा लाई जाएगी और वहीं जवान के शहीद होने के बाद परिवार सहित पूरे छिंदवाड़ा में शोक की लहर दौड़ रही है। जवान के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद की मां और बहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें बेटे पर गर्व है, लेकिन अब परिवार का चिराग बुझ गया है। वो अकेले घर की जिम्मेदारी उठाते थे। सुबह लगाए थे फोन, भाभी जी ने लगाई थी, उससे पता चला हमको कि भैया ऐसे से हो गए। 21 में हुई थी 2021। दो बहन दो भाई है हम, मेरे से छोटे थे। कैसा फील होगा जी? अब तो बहुत बड़ा तो दिए, लेकिन अभी पूरा तो वही संभाल रहे थे। इधर पापा खत्म हो गए तो बस वही संभाल रहे बात है, ऐसे नहीं बताया उन्होंने। अब दो दिन में आने वाला होते उधर से फोन आई तो बहू के पास में फोन आई थी कि नहीं तो छोट वाला बेटा बोलने लगा नहीं कि भैया को गोली लग गई। मम्मी दरवाजा खोल कर खुद अंदर सोए थे, हम बाहर सोए थे। हाँ जब पता चला तो गोली चली भर बोल रहे थे हम, कैसे ये भी नहीं बताया मेरे को। अभी इधर से बहू बेटा आ गए, कैसे आने हुए तुमको बोलते अपना है च नहीं अपने। जब पता चला बारी तारीख की तक कर नहीं बेटा मुझे दो बेटी जा रही है। हाँ दो बेटी दो वो आएंगे ना भी बहू भी उनके लेके आएंगे करके गई हो तो आई चीन सब मार्ग दिन तो गई हो चीन। बता दें कि देश के लिए एक महीने में छिंदवाड़ा के जवानों की ये दूसरी शहादत है। बीते दिनों जिले के रहने वाले विक्की पहाड़े भी आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, अमरवाड़ा।